जमा कर रखे समय इनका कोई काम से काम होता किया उसमें, तो ये निकालने का प्रयास कर रहे थे उसी टाइम पास में खड़े एक व्यक्ति ने इनकी मदद करने का उनको झांसा देके उनका ATM चेंज कर दिया और बाद में उस ATM से पैसे 23,000 रुपये निकाल लिए। ATM बदलकर शातिर ने निकाले 23,000 रुपये, अमरदीप कॉलोनी निवासी मंजीत सिंह बने निशाना। परिवादी मंजीत सिंह ने कृष्णगंज थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। कृष्णगंज थाना अंतर्गत अमरदीप कॉलोनी में रहने वाले परिवादी मंजीत सिंह ने कृष्णगंज थाने में बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM में अपने साथ हुई 23,000 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अज्ञात शातिर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। कृष्णगंज थाने के ASI मोइनुद्दीन ने बताया कि परिवादी मंजीत सिंह ने बताया कि वे बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM में लगी वेंडिंग मशीन में पैसे डालने के लिए गए थे। इस दरमियान ATM में उनका 500 रुपये का नोट फंस गया, जिसे निकालने की जद्दोजहद के दौरान वहां खड़े एक अज्ञात शख्स ने उनकी मदद के बहाने उनका ATM कार्ड बदल लिया और बातों ही बातों में उनसे पिन भी हासिल कर लिया। इसके बाद उनके खाते से 23,000 रुपये विड्रॉल हो गए। मोइनुद्दीन ने बताया कि परिवादी मंजीत सिंह की रिपोर्ट पर IPC की धारा 420 में मुकदमा दर्ज कर ATM में लगे CCTV कैमरे व आसपास लगे कैमरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। परिवादी है मनजीत सिंह जी, अमरदीप कॉलोनी के रहने वाले हैं। ये कल शाम को 8 बजे BOB बैंक के बाहर, BOB का ATM बना हुआ है, यहाँ पैसे जमा कराने गए थे। पैसे जमा कराते समय इनका कोई 500 का नोट अटक गया उसमें, तो ये निकालने का प्रयास कर रहे थे। उसी टाइम पास में खड़े एक व्यक्ति ने इनकी मदद करने का इनको झांसा देके इनका ATM चेंज कर दिया और बाद में उस ATM से पैसे 23,000 रुपये निकाल लिए। उसी दौरान उसने बेवकूफ़ बना के उनका पिन नंबर भी मालूम कर लिया और बाद में उनके 23,000 रुपये उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ है। जान जाए आमजन को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है कि किसी की अपरिचित आदमी की मदद नहीं ले। ऐसे उस बैंक में गार्ड भी नहीं है, हमने पहले भी इनको बताया था कि अपने गार्ड लगाए जाए, गार्ड की व्यवस्था नहीं है। उनको वापस बैंक को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वे गार्ड की सुविधा करें और अनजान व्यक्ति से मदद नहीं लें। जहाँ तक अनजान व्यक्ति से नहीं तो ATM देवे, न पिन शेयर करें। उसने वहीं बेवकूफ़ बना के ATM भी चेंज कर लिया और पिन भी जानकारी ले ली, मदद करने के बहाने पिन चेंज ATM चेंज करके इनको 23,000 रुपये की धोखाधड़ी। किस धारा में करें? धारा 420 IPC में दर्ज है। 33,000 ATM है, BOB बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? इससे जो ठगी के शिकार हो रहा है, कोई ATM से कोई फ़ोन आता है, इसके लिए क्या कहना चाहते हो? अमूमन तो बैंक समय समय पर अपनी तरफ से ये भेजती रहती है कि बैंक कभी भी आपसे न तो पिन शेयर करने को कहता है, नहीं कोई बैंक कभी भी पिन नहीं मांगता है, न कोई इस तरीके की कोई आपसे मदद मांगता है कि आप ऐसा करो ऐसा करो। हमारा यही कहना है कि न तो किसी के साथ पिन शेयर करें। ATM अगर पैसा निकालते हैं तो आसपास ये ध्यान रखें, कोई नज़दीक नहीं खड़ा हो, आपके पिन नहीं देख रहा हो। और उसने क्या इनको बेवकूफ़ बना के ATM चेंज कर दिया, पिन भी उन्हीं टाइम मालूम कर लिए और बाद में पैसे निकाले। ठीक है।